कॉर्न का नाश्ता बनाने के लिए ये मैंने 2 भुट्टे लिए थे। इनके मैंने दाने निकाल कर इन्हें हल्दी, चीनी, नमक डालकर बॉईल कर लिया था इस तरह से। फिर मैंने मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा इन्हें क्रश कर लिया है। अभी भी कॉर्न दर दर रहे हैं। अब इसमें 1/2 कप सूजी ऐड करेंगे, कटी हुई शिमला मिर्च, कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, हरी धनिया, हरी मिर्ची, हींग डाल देंगे, चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि मैंने कॉर्न बॉईल करने में नमक डाल दिया था। अब इनको मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। ये मैंने जार को साफ करके पानी निकाल लिया था, उसी को थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका नाश्ता बनाएंगे। कढ़ाई में ऑयल गर्म करके इसमें बैटर डाल देंगे। इस तरह से इसे दबा दबा के स्क्वायर शेप दे देंगे। इसे मैंने स्क्वायर शेप दे दिया है। आप चाहें किसी भी शेप में बना सकते हैं नाश्ते को। अब इसे दोनों तरफ उलटते पलटते सेक लेंगे। ये एक तरफ से सिक गया है, इसे पलट देंगे। ये देखिए दोनों तरफ से कलर आ गया है। ऐसे ही हम बाकी का नाश्ता सेक कर तैयार कर लेंगे। ये मैंने नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए भुट्टे का बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। भाई मुझे तो मज़ा आ गया ये नाश्ता खाकर। आप भी बनाकर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।